नमस्कार फोरसाइट टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि अगर 1 अप्रैल तक केंद्र ने आवास योजना के लिए धन जारी नहीं किया तो राज्य सरकार इसके लिए धन जारी करेगी। ममता ने उदाहरण देते हुए कहा है कि ठीक इसी तरह राज्य सरकार मनरेगा के वंचित लाभार्थियों के लिए भी पैसा जारी करती है। बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी पर बीजेपी को चुपके चुपके सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 अप्रैल तक केंद्र ने आवास योजना के लिए धन जारी नहीं किया तो राज्य सरकार इसके लिए धन जारी करेगी। ममता ने उदाहरण देते हुए कहा है कि ठीक इसी तरह राज्य सरकार मनरेगा के वंचित लाभार्थियों के लिए भी पैसा जारी करती है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा, चुनाव के दौरान बीजेपी हर खाते में 15 लाख देने का वादा करती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये झूठे वादे हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विपरीत हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी आपको धमकाएगी और गुमराह करेगी, चुनाव के बाद ये बाहरी लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे 365 दिन आपके साथ खड़ी रहेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी तक टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के ताजे बयान से सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात बनती नहीं दिख रही है। बयानों में ममता का रवैया कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर बेहद सख्त दिख रहा है। हाल ही में टीएमसी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि वह बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। पता नहीं फिर भी वो अभी क्यों दुविधा में है। वो आधिकारिक रूप से कह नहीं पा रही है कि बंगाल में गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि टीएमसी के नेता जानते हैं कि अगर इंडिया अलायंस में चुनाव नहीं लड़ा तो बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग टीएमसी को वोट नहीं करेंगे। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।